मैं ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि जब आप ये वीडियो देख चुके होंगे तब आप जरूर ये कहेंगे कि हर एक सफल शख्स के पीछे एक करुणा भरी कहानी होती है। और आज की ये कहानी भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार सिंगर का खिताब पाने वाली गौहर जान की है। इनका जलवा आज से 150 साल पहले ऐसा था जो आज के समय में बड़े से बड़ा अरबपति खरबपति सोच नहीं सकता। सरकार हो या बड़े से बड़ा राजा महाराजा, वो काम अपनी शर्तों पे करती थी। ये समझ लीजिए कि करोड़पति शब्द का इजाद गौहर जान ने ही किया था। पर कभी एंजेलिना के नाम से जाने जाने वाली कैसे बन गई गौहर जान? एशिया की पहली गायिका जिसके गाने ग्रामोफोन से रिकॉर्ड हुए। आखिर वो 3 मिनट के गाने के कितने तोले सोने के बराबर पैसा लेती थी? उनकी रहीसी के ठसक के किस्से ऐसे थे जो 150 साल पहले उन्होंने किया वो आज के समय में कोई बड़े से बड़ा करोड़पति करने की सोच नहीं सकता। हाँ, इस 13 साल की बच्ची का जब रेप हुआ तो उस मानसिक प्रताड़ना से उभरने के लिए कैसे बन गई एशिया की सबसे महंगी गायिका। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। शायद इस वीडियो को बनाने से पहले हम भी नहीं जानते थे कि कौन थी गौहर जान, पर सोशल मीडिया के दौर में जब एक दिन गूगल खोला तो देखा गूगल ने भी उन्हें याद कर डूडल में जगह दी और जिज्ञासा में जो कुछ भी जाना वो बेहद आश्चर्यजनक था। गौहर कैसे एंजेलिना से गौहर बनी, इसको जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इनके परिवार में अलग अलग धर्मों के लोग थे। नाना जहां ब्रिटिश मूल के थे वहीं नानी भारतीय मूल की थी। माँ का नाम विक्टोरिया हेमिंग था और पिता अमेरिकन क्रिश्चियन थे, उनका नाम विलियम्स था। विक्टोरिया और विलियम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहा करते थे, यहीं पर एंजेलिना का जन्म हुआ। वैसे कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के बीच में तलाक हो गया। उस समय एंजेलिना महज 8 साल की थी। विक्टोरिया ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम विक्टोरिया से मलका जान कर लिया। बेटी के नाम को बदलकर एंजेलिना से गौहर जान कर दिया गया। माँ अपनी बेटी को लेकर बनारस आ गईं, जहां मलका जान को शुरू से ही संगीत में बहुत रुचि थी, सो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी गौहर जान को भी क्लासिकल म्यूजिक में एक्सपर्ट बनाया। गौहर जान ने बनारस में रहकर कीर्तन, रवीन संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, डांस में कत्थक वगैरह निपुण शिक्षकों से सीखा। और जब गौहर जान ने अपनी पहली परफॉर्मेंस 1887 में दरभंगा राज में दी तो वहाँ इन्हें दरबारी संगीतकार बना दिया गया। वहीं जब ये 1896 में कलकत्ता पहुंची और परफॉर्म किया तो लोग इनके मुरीद हो गए। वहाँ इन्हें फर्स्ट डांसिंग गर्ल कहा गया। वो अपनी आवाज के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी वहाँ खूब मशहूर हुई। पर इन सभी प्रसिद्धियों के पीछे एक काला सच भी था कि महज 13 साल की उम्र में इस गौहर जान का शारीरिक शोषण भी हुआ। इस सदमे से उबरने के लिए उन्होंने संगीत सीखा और संगीत में ऐसा सिक्का जमाया कि भारतीय संगीत को विश्व पटल के शिखर पर पहुंचा दिया। जहां कलकत्ता में परफॉर्मेंस के बाद उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर समय आया 2 नवंबर 1902, जिस दिन वो एशिया की पहली गायिका बनी जिसने ग्रामोफोन से गाने रिकॉर्ड किए। 1902 से लेकर 1920 तक गौहर के हिंदुस्तानी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, अरबी, फारसी और फ्रेंच गीतों के 600 डिस्क निकाले गए। गौहर जान की लोकप्रियता का आलम यह था कि ग्रामोफोन कंपनी ने उनके साथ चित्र में ग्रामोफोन कंपनी का प्रचार किया। गौहर जान के चाहने वालों की एक बड़ी फौज थी जो उनके ऊपर पैसा लुटाए जा रही थी और गौहर जान ने भी उस पैसे को ऐसे लुटाया कि बड़े से बड़ा करोड़पति खर्चा करने में 10 बार सोचे। गौहर खान को कहीं बुलाना होता तो उनकी फीस दे पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उस समय
वो एक गाने के रिकॉर्डिंग के 3,000 रुपए लिया करती थी। ये वो दौर था जब 20 रुपए का 1 तोला सोना मिलता था। अभी जब आप और बातें गौहर जान जी के बारे में जानेंगे तब आपको जरूर यकीन हो जाएगा कि हाँ ये गौहर जान ही थी जो ऐसा कर सकती थी। गौहर जान जी ने ही हिंदुस्तानी गानों के लंबे लंबे फॉर्मेट को 2 से 3 मिनट में गाने का रिवाज शुरू किया। ग्रामोफोन कंपनी ने गाने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही बना रखा था। जहां गौहर खान गाने गाए जा रही थी वहीं हिंदुस्तानी म्यूजिक भारत के ही नहीं दुनिया के कोने कोने में पहचाना जा रहा था। उनकी रिकॉर्डिंग की खास बात यह थी कि गानों को खत्म करते हुए वो ये जरूर कहती थी कि माई नेम इज गौहर जान। ये अदा उनकी बेहद निराली थी। लोग कहते हैं एक बार उन्होंने अपनी पालतू बिल्ली की शादी में 1200 रुपए खर्च किए। आश्चर्य हो रहा है ना, अभी और सुनिए। जब उस पालतू बिल्ली ने बच्चे दिए तो उन्होंने जो पार्टी रखी उसमें 20,000 रुपए का खर्चा आया जिसकी कीमत आज के हिसाब से 9,06,00,000 रुपए बैठती है। दतिया में जब उन्हें एक प्रोग्राम में बुलाया गया तो उन्होंने शर्त रखी, मेरे आने जाने के लिए और मेरे साथी कलाकारों के लिए एक प्राइवेट ट्रेन दी जाए जिसमें उनके धोबी रसोइयां और दर्जनों नौकर सफर करते। उनकी ये शर्त मानी भी गई। जब एक समय उन्हें एक प्रोग्राम में एज ए गेस्ट बुलाया गया तो उनके सामने थी बेनजीर बाई, उस समय की बॉम्बे की जानी मानी तवायफ। वैसे ये वो दौर था जब तवायफों को सेक्स वर्कर न मानकर तहजीब की पाठशाला माना जाता था। मुंबई की इस तवायफ ने चारों तरफ समा बांध दिया। नाच खत्म हुआ तो बेनजीर गौहर जान के सामने गईं और झुकी। उन्हें लगा कि शायद गौहर जान बेनजीर को शाबाशी देंगी। गहनों से लदी बेनजीर जब गौहर के सामने थी तो गौहर जान ने कहा, बेनजीर तुम्हारे गहने बिस्तर पर चमकते होंगे, महफिल में सिर्फ हुनर चमकेगा। बेनजीर पानी पानी हो गई। बेनजीर वापस मुंबई आई और अपने सारे गहने अपने गुरु को दिए। गुरु से कहा कि मुझे कत्थक सीखना है। फिर 10 साल की कड़ी मेहनत की। फिर कहीं जाकर वो दिन फिर आया जब बेनजीर के सामने गौहर जान थी। महफिल सजी हुई थी। जब नाच पेश किया तो अब सब उल्टा था। गौहर जान खुद उठी और बेनजीर के पास गई। कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे हीरे अब चमक रहे हैं। गौहर जान जब एक बार इलाहाबाद गई तो वहां तवायफ जानकी बाई के यहाँ ठहरी और जानकी बाई से बोली कि मेरा मन खान बहादुर अकबर इलाहाबादी से मिलना चाहता है। जानकी बाई ने जब अकबर इलाहाबादी से गौहर जान की मुलाकात कराई और परिचय कराया कि यह मशहूर गायिका गौहर जान है, तब अकबर इलाहाबादी ने कहा कि जह नसीब मैं न नबी हूँ न इमाम, न गौस न कुतुब न कोई वली, पहले जस था अब रिटायर होकर सिर्फ अकबर रह गया हूँ। हैरान हूँ कि आपकी खिदमत में क्या तोहफा पेश करूँ। खैर एक शेर बतौर यादगार लिख देता हूँ। फिर एक कागज पर कुछ लिखा और गौहर जान को दे दिया। लिखा था, खुशनसीब भला आज कौन है गौहर के सिवा, खुशनसीब भला आज कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है जिन्हें सौहर के सिवा। हाँ गौहर जान की जिंदगी में सौहर तो आए लेकिन नसीब में सिवाय तन्हाई के और कुछ भी ना आया। उन्होंने शादी भी की सैयद गुलाम अब्बास से, वे उनके तबला वादक थे। अब्बास गौहर से 10 वर्ष छोटे थे। शादी के बावजूद गौहर की जिंदगी में हमेशा तन्हाइयां रही क्योंकि अब्बास शायद गौहर से नहीं उनकी दौलत से प्यार करते थे। अपने पति सैयद अब्बास की वजह से ही गौहर जान के अंतिम दिन बेहद दर्द भरे गुजरे, पर गौहर जान ने जब तक जिंदगी जी बेहद रही सी और ठसक में जी। गौहर जान जी
चार घोड़ों की बग्घी से चलती थी। हाँ, तब बग्घियों से चलने की अनुमति कलकत्ता में नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने शौक को पूरा करती थी और वायस राय को एक बार बग्घी में चलने का 1,000 रुपये जुर्माना देती थी। कहते हैं गौहर जान हर महफिल में नए कपड़े और नए जेवर पहन कर जाती थी। जो जेवर एक बार पहन लेती वो दोबारा महफिल में कभी नहीं पहनती। इन्हें जब एक बार दिल्ली में जॉर्ज पंचम की ताजपोशी की महफिल में बुलाया गया तो उसमें ये अपनी शर्तों में गई। ये रुतबा रखती थी गौहर जान। तब जॉर्ज पंचम ने उन्हें 100 सोने की असरफियां भेंट की थी। गौहर जान के अंतिम दिन अच्छे नहीं बीते, वो काफी अकेली थी। उनके पति ने उनको कानूनी दाव पेच में उलझा दिया था, शायद उनके पास जो अटूट संपत्ति थी उसी को पाने के लिए। रिश्तेदारों ने भी उनका आर्थिक शोषण किया, सारा वैभव पैसा खत्म हो चुका था। इन्हीं सब झंझटों से तंग आकर वो अपने अंतिम समय में मैसूर के राजा कृष्णदास वाडियाट के यहाँ चली गई थी और यहाँ वो एक शाही गायिका बनी। 17 जनवरी 1930 को उनका देहांत हो गया। आश्चर्य और दुख जानकर तब हुआ कि जो शख्स भारत की सर्वोच्च महफिल में गाया करता था, जिसने भारतीय संगीत को विश्व पटल के शिखर पर पहुंचाया, उसके मरने की खबर उसके मरने के 4 दिन बाद महज 4 लाइनों में छपी। हाँ, भारतीय संगीत के रिकॉर्ड में पहली रिकॉर्ड आवाज गौहर जान की थी, पर दुर्भाग्यवश हमारा इतिहास इस हस्ती के पन्नों को सहेज कर नहीं रख सका। अगर आपको कोई भी जानकारी गौहर जान से जुड़ी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमारे 10-15 घंटों की गई मेहनत को साकार करता है, हमें और ऊर्जा देता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।